अभी झांसी के पुष्पेंद्र यादव के कथित एनकाउंटर का मामला ठंडा नहीं हुआ है कि अब हापुड़ में पुलिस की थर्ड डिग्री से युवक की मौत सुर्खियों में है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने युवक के साथ किस स्तर की अमानवीयता की है। ये कंधे इधर सुई लग रही थी। ये दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ गांव का है। घर वालों की माने तो पुलिस प्रदीप को हत्या के मामले में टोल प्लाजा से पकड़ ले गए। प्रदीप के साथ उसकी पत्नी भी थी। पत्नी और बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ पुलिस की थर्ड डिग्री का खेल। छोटे भाई पिलखुआ से आ रहे थे, मिसेज और ये छोटे भाई जी, तो पुलिस वालों ने इन्हें टोल टैक्स पे पकड़ लिया जी। पकड़ने के बाद इनको चौकी पे ले आए। चौकी पे ले जाने के बाद वाइफ तो कहीं दूसरे कमरे में बंद कर दी, वाइफ और बच्चा साथ था, और इनका छोटा भाई पुलिस वालों ने इनको फ़ोन करा जी। फ़ोन करवाया घर पे बड़े भाई के लिए। बड़ा भाई यहाँ से गया घर, मतलब झूठ फ़ोन कराया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, कि ऐसा छोटा मतलब एक्सीडेंट हो गया है, उसे ले आओ। पुलिस पहुंची है, ये भाई पहुंचा है। भाई पहुंचते ही उसकी पिटाई शुरू कर दी है इन्होंने पुलिस वालों ने। पुलिस वालों की इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि भाई की इतनी संगीन हालत करी है कि इतना मारा है कि उसकी मृत्यु हो गई भाई जी चौकी पे जी। फिर पुलिस ने झूठा केस दिखा दिया कि मतलब भगा GS में ले गए, अब मेडिकल में है, मेडिकल से अभी तक बॉडी तो आई नहीं है। ये है मामला वारदात। कैसे मारे हैं पुलिस वालों ने? क्या हुआ था आपके साथ में? आप थी वहाँ पे उस टाइम? मौके पे मेरे हस्बैंड तिलक हो गए, वहीं से पकड़ लिए, मुझे थाने में ले जाके बिठा दिए कमरे में, और उन्हें गाड़ी में घेर के ले गए छोटे वाले ने, और बड़े बुला लिए फोन करके, उन्हें ले गए चौकी में। उसके बाद उन्होंने मारे, फिर पुलिस वाले ने मारे हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने क्या बताया? तो क्या लगता है आपको उनकी मौत जो हुई कैसे हुई? पुलिस वाले नहीं मारे हैं, वो पुलिस वालों की पिटाई से नहीं मारे हैं। आपको भी ले गए थे साथ में पुलिस? थाने में ले जाके। प्रदीप की मौत पर पुलिस का जवाब गोलमाल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के आरोप में युवक को पिलखुआ पुलिस लेकर आई थी और हिरासत के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये थाना पिलखुआ के क्षेत्र अंतर्गत दो माह पहले एक डेड बॉडी महिला की मिली थी, जिसको जला दिया गया था। पहचान उसके अज्ञात में थी और अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इसी में जांच कर रही थी तो कुछ लोगों पे शक हुआ और बाकी बहुत सारे एविडेंस उन लोगों के विरुद्ध में। एक लड़का कल पुलिस ने इसी के संबंध में, केस के संबंध में जानकारी के लिए थाने पर बुलाया था। थाने पर पूछताछ के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई। उसको हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उसकी हालत में कोई सुधार ना होते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कराया गया। वहाँ उसकी आज 12 बजे के बाद आज 1 बजे अर्ली मॉर्निंग तड़के उसकी मृत्यु हो गई है। सर, ये भी बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है उसका भाई भी उसके साथ हिरासत में था, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिसका नाम कुलदीप बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया है, किंतु इसमें जो भी पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस वालों का दोष, जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो। NTTV भारत के लिए हापुड़ से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।